दुनिया के अधिकतर देशों में देह व्यापार को कानूनी मान्यता मिली हुई है, लेकिन कई ऐसे देश हैं जहां देह व्यापार को कानूनी मान्यता नहीं मिली है, लेकिन इसके बावजूद भी देह व्यापार खूब फल फूल रहा है। भारत में भी वैश्यवृत्ति को अवैध माना जाता है, इसके बावजूद देश के कई इलाकों में देह व्यापार जोरों शोरों पर हो रहा है। देश की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले पश्चिम बंगाल के कोलकाता का सोनागाछी एशिया का सबसे बड़ा देह व्यापार यानी कि रेड लाइट एरिया बन गया है। यह जगह जितनी बड़ी है उससे भी बड़ी है यहाँ रहने वाली महिलाओं की पीड़ा। और हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ रहने वाली अधिकतर महिलाएं गरीबी, भ्रष्टाचार और अनैतिकता का परिणाम या परिमाण है। सोनागाछी शब्द आपके कानों में कई बार गूंजा होगा, कभी रसीली और चटपटी गपशप के रूप में, तो कभी दर्द भरी लड़कियों की दुखद कहानियों के रूप में। यहाँ की महिलाओं के 10x10 के कमरों से करहाने और कहकहों के स्वर एक साथ निकलते हैं। इन स्वरों के अपने अपने मायने हैं। किसी के लिए ये मनोरंजन है जहाँ रकम के बदले एक सौदा है, तो अगले ही पल ये जिल्लत और जिंदगी की कहानी है जहाँ घोर अंधियारा है, ना कोई सितारा है ना आफ्ताब। सोनागाछी कोलकाता का एक क्षेत्र है। ये 300 साल से भी पुराने हुगली नदी के तट पर बसा है। कोलकाता शहर की कई चीजें खास हैं, जैसे मसलन रसगुल्ला, हिलसा मछली, गीत संगीत, फिल्म, क्रांति, हस्तियां व बहुतेरी बातें हैं। लेकिन कोलकाता से जुड़ी एक और चीज भी बहुत प्रसिद्ध है, जिसका नाम लोग दबी जुबां से लेते हैं। कोने में यार दोस्तों की महफिल में ये नाम है सोनागाछी। सोनागाछी भारत ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा देह व्यापार का केंद्र है। कहा जाता है कि यहाँ 14,000 से ज्यादा सेक्स वर्कर यहाँ काम करती हैं। यहाँ हर क्षेत्र और धर्म की लड़कियाँ देह व्यापार से जुड़ी हैं। इन्हें यहाँ से कोई हटा नहीं सका है, इसलिए ये बस्ती सालों से मौजूद है। उत्तरी कोलकाता के शोभा बाजार के नज़दीक स्थित जितरंजन एवेन्यू में मौजूद इलाके को लोग कई सौ सालों से सोनागाछी के नाम से जानते हैं। यहाँ देह व्यापार से जुड़ी महिलाओं को लाइसेंस भी दिया गया है।